नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। बाबरी वाले बाबा की दरगाह पर पहुंचे आरपीए समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता। 1813 से है बाबा की दरगाह को लेकर मानते हैं। भक्तजन बाबा की दरगाह को जाने वाले मार्ग को लेकर बाबा के सेवक मुशीर अंसारी जी और भक्तजनों ने मार्ग के बनने की प्रदेश सरकार से आग्रह किया तो वही अपना रोष व्यक्त किया। इसकी तो मदद कोई नहीं करता, इसकी मदद नहीं करता, हमारे बाजारों की कोई मदद नहीं करता, सिर्फ ऊपर वाला नहीं करेगा। सभी लोग यहाँ के जितने भी सरकारी कभी भी बाबा के कर्म से रुकी पड़ी है, आदेश नहीं है। और बाकी लोग इनकी जगह घेरे बैठे हैं और जगह घेर लेते हैं, मगर बाबा के लिए कोई आदेश नहीं है। और जितनी बाबा की जगह 90 डिसमिल उसमें मकान चलिए, मार्ग का आला अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और बाबा की दरगाह बहुत पुरानी महानता है, लोग बचपन से आते हैं यहाँ पर। मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट कृष्णा गुप्ता। आज बाबा की दरगाह पर एक बार और हमको आने का मौका मिला है, जिसमें हम आपको बता दें कि बाबा के जो सेवक हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर, बाबा के जो सेवक हैं वो बाबा की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। एक बार और हमको एक बार मेरे साथ मिलकर जोरदारी से बाबा बोलो, बाबरी वाले बाबा की, बाबा का डंका विश्व में बजेगा और बाबा की जय जयकार विश्व में होती है, चाहे वो सऊदी अरब देश हो चाहे अन्य देश हो। हम ज़्यादा न कह रहे वरन मथुरा वासी ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश वासी ही नहीं, परंतु देश के विभिन्न अंचलों से और विश्व के अन्य देशों से न जाने कहां से बाबरी वाले बाबा की महत्ता को लेकर इनकी श्रद्धालु इनके दर्शन करने पता नहीं कहां कहां से आते हैं, जो इनके मुरीद हैं। इसको लेकर आज हम एक बार और बाबा के जो मुख्य सेवक हैं मुशीर अंसारी जी, उनसे वार्ता करते हैं। आज अंसारी जी, आज क्या कहते हो, विश्व के विभिन्न देशों से हमने यहां देखा है कि जो है आते हैं लोग देश के विभिन्न अंचलों से दर्शन करने, ऐसी क्या मानता है बाबा की? ये तो अल्लाह की भली औलिया है, ये तो जहाँ पर जो भी आता है सबकी मुराद पूरी होती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, या तो सबके लिए फैज है और सबके लिए तरक्की है। जो भी आ जाता है यहाँ सब बाबा सबकी सुनते हैं और सभी भाई जो हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ पर बड़े प्यार और मोहब्बत से इनकी मान्यता पूरी होती है। बहुत अक्सर ही आ रहे हैं, कोई 20 साल से आ रहा है, कोई 5 साल से आ रहा है, कोई 10 साल से, यानी कुल मिला के कहने का ये जो भी यहाँ पर जब है आ गया और फिर इनसे जुड़ गया फिर बाहर नहीं जाता। आप किसी से पूछोगे इनको भी ले गए, कोई गया 5 साल जा रहा हूँ, कोई गया 20 साल जा रहा हूँ, कोई गया 10 साल जा रहा हूँ, और बाबा सबकी मुराद पूरी करते हैं, सबकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। कभी चला गया और भी यहाँ देखोगे बहुत दरगाह बहुत खस्ती है, जहाँ पर फिर भी चमत्कार से रुकी पड़ी है, लोगों के रास्ता है नहीं, दिखाना पड़ेगा आपको रास्ता है, गिरने का भी डर है, ये सब है। अब लोग देख लो, अब यहाँ पे आते हैं बेचारे, फिर बाबा करम है, नहीं गिरते अपनी, नहीं तो जगह हजार रखी हुई है। चलिए, बाबरी वाले बाबा हैं ये, और देखिए यहाँ का जो मार्ग है बड़ा ही विचलित है कर देने वाला। यहाँ पर देख रहे हैं सकरा मार्ग है, अगर नीचे जाएं तो व्यक्ति के गिरने का डर भी सताया जा रहा है। और अब यहाँ आए हैं पूजा, हमारे साथ एक और महिलाएं हैं। कहाँ से आई हो, कब से आ रही हो यहाँ? काफी दिन से। बाबा की क्या महानता है, क्या मुराद पूरी होती है? मुराद जो मांगते हैं वो पूरी होती है बाबा, दिल से मांगेंगे तो मुराद पूरी नहीं होगी। अच्छा, सच्ची? तो देखो बाबा तो काफी सच्चे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो प्रदेश सरकार है और जिला प्रशासन है, उनको बाबा की इस जो है जगह का थोड़ा संज्ञान मामले का लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा जो बाबा की ओर जाने वाला मार्ग है वो बड़ा ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में नजर आता है। और यहाँ पर क्या महिला क्या बच्चे सभी हैं बाबा के मुरीद,
और एक अबोध छोटा सा बालक हमारे साथ है यहाँ पर। आप जो है ये बालक है, देखिए क्या नाम है आपका? ये है बोल चुका नहीं है। और आप कहाँ से आई हो? कहाँ से? मथुरा में। कैसा लग रहा है यहाँ पर? और देखिए बाबा हैं ये, ऊपर भी मजार है इनकी, यहाँ भी है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप यहाँ पर सेवक हो बाबा के? सेवक हैं हम यहाँ पर। कब से हो? मैं तो 1.5-2 साल हो गए करीब। अच्छा जी, यहाँ पर देखभाल हम ही करते हैं बाबा, ये देखभाल करते हैं हम करते हैं। बोलो बाबरी वाले बाबा की जय। और आपने जाना कि बाबरी वाले बाबा हैं ये, और मगर बाबा की महानता तो बहुत लंबे अरसे से है, लेकिन यहाँ का जो मार्ग है वो बड़ा ही जीर्णशील अवस्था में है। उत्तर प्रदेश सरकार, मथुरा जिला प्रशासनिक आला अधिकारियों से हम तो यही कहेंगे कि जो बाबा की और आने वाला मार्ग है, इस मार्ग का तत्काल ही जीर्णोद्धार प्रदेश सरकार को कराना चाहिए, क्योंकि ये जो दरगाह है बाबा की, सन 1900 जो है 90 से भी अगले दशक की है, काफ़ी 1813 में बनी थी ये दरगाह, देख रहे हैं आप। और मार्ग का जीर्णोद्धार होना चाहिए, और जो है यहाँ पर जो भी एक बार आ जाए वो बाबा का भक्त स्वतः ही हो ही जाता है। विशेष रिपोर्ट है आज बाबरी वाले बाबा की दरगाह मथुरा से। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।